गंगा में वाटर टैक्सी चलाए जाने को लेकर जहां एक तरफ नाविक समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस विरोध को समाप्त करवाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम के अधिकारी जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बुधवार को वाटर टैक्सी का विरोध करने वाले नाविकों के साथ वाराणसी नगर निगम के महापौर अशोक तिवारी ने नगर निगम कार्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने नाविकों की इस समस्या को जाना और उनके पक्ष में सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया। माँ गंगा निषाद सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने महापौर के साथ हुई बैठक को लेकर बताया कि वाटर टैक्सी को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए महापौर ने बुलाया था। इस दौरान महापौर और नाविकों के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। नाविक चाहते हैं कि वाटर टैक्सी को नाविक समाज के लोग संचालन करें, ना कि कोई कंपनी। यदि नाविकों को दान में वाटर टैक्सी दी जाती है तो सही है, वरना पैसे देकर कोई भी नाविक वाटर टैक्सी का संचालन के पक्ष में नहीं है। प्रमोद मांझी ने बताया कि महापौर अशोक तिवारी के द्वारा आश्वासन मिला है कि जो भी फैसला होगा वह नाविकों के लिए सार्थक होगा। गौरतलब है कि विगत दिनों नाविकों ने वाटर टैक्सी के खिलाफ नाविकों ने नौका संचालन बंद कर विरोध किया था। विरोध स्वरूप नाविकों ने क्रूज का घेराव किया था, जिसके पश्चात अधिकारियों के साथ हुए वार्ता में विवाद को एक माह में सुलझाने के लिए नाविकों की 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। और आज बैठ के लगभग आधा घंटा बात हुआ है। बात का रूट तो सार्थक जैसा लग रहा है, लेकिन जब तक कि हमें पूर्ण रूप से किसी चीज़ को मिल न जाए तब तक इस चीज़ को हम सार्थक नहीं मान सकते। हाँ, अभी उन्होंने कहा है, हमारी बातें हुई है और उन्होंने कहा है कि हम आपके लिए करेंगे, अच्छी पहल करेंगे, और भी लोगों से बात करवा के, और दो तीन दिन का उन्होंने हमें समय भी दिया कि दो तीन दिन में हम सारे लोग से बात करके इसका अच्छी तरह से निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उसके बाद वो देने की बात कर रहे हैं। किन मुद्दों पर बात हुई है? मेन मुद्दा हमारा था, देखिए गंगा जी में जितनी भी समस्याएं हैं सारे समस्याओं का समाधान हमें चाहिए। मेन मोटो अभी हम लोग का वाटर टैक्सी का चल रहा था और वाटर टैक्सी को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग देना चाहते हैं। तो देने की बात पर अगर ऐसा है कि वो देना ही चाहते हैं तो गंगा जी में पड़ा है तो दे देंगे निषाद समाज को, तो निषाद समाज देख लेगा। दान के रूप में हम लोग लेने को तैयार है, लेकिन पैसे देकर खरीदना थोड़ा ये टेढ़ी बात होगी, क्योंकि हम बनारस के लोग अपने अपने घाटों पर चलने वाले लोग हैं और किसी और चीज़ किसी और का नाव लेके हम लोग भाड़े पर चलाइए हमारे लिए संभव नहीं है। तो देखा जाएगा, बातें होंगी, अभी तो पहले चरण की बात है, बातें आगे बढ़ेंगी, संभव होगा अगर हम लोग उस योग्य बन गए कि उसको ले लिया जाए तो उसको ले लिया जाएगा। अगर दान में देंगे तो पूरा बनारस हमारे महापौर जी का जय जयकार करेगा।